भिलाई के सेक्टर के पास विसर्जन के लिए गणपति को लेकर निकलने ट्रेलर में तेज रफ्तार कार पीछे से आकर घुस गई, जिससे हादसे में कार चालक के साथ ही प्रसाद बांट रहे दो युवकों की मौत हो गई। वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला भिलाई के दुर्ग का है, जहाँ शिवनाथ नदी में भक्त भगवान गणेश का विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान भिलाई में जगह जगह पर समिति के सदस्य भोग प्रसादी बांट रहे थे। वहीं प्रसाद का कंटेनर ट्रेलर में ही रखा था, इसलिए समिति के सदस्य प्रसाद बांटने के बाद ट्रेलर के पास आते और कंटेनर के प्रसाद लेकर फिर सड़क के किनारे खड़े लोगों को प्रसाद बांटते थे। इसी काम में नीरज और शंकर भी लगे हुए थे। इस दौरान अचानक सेक्टर 6 की ओर से तेज रफ्तार कार ने शंकर और नीरज को कुछ चलते हुए ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके अलावा चार लोग अभी भी कार की चपेट में आ गए और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं कार चालक की हालत गंभीर है। टक्कर मारने के साथ ही घटनास्थल पर ही शंकर की मौत हो गई, तो वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में नीरज ने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भिलाई नगर पुलिस की टीम पहुंची है। फिलहाल भिलाई नगर पुलिस हादसे की जांच कर रही है। भिलाई नगर थाने का मामला है, जहां पर बीती रात गणेश विसर्जन के दौरान सेक्टर 10 इलाके में एक ट्रेलर जो कि गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए जा रहा था, उसमें पीछे से एक कार आकर थके, जिससे जो ट्रेलर में बैठे हुए लोग थे गिर गए। वहाँ से दो लोगों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस वहाँ पर पहुँची और शुरुआती कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी कार्रवाई बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है।